हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबे में। आज का वीडियो हरियाणा सीईटी का सुपर मॉक टेस्ट की हमारी सीरीज चल रही है, उसका छठा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आए हैं। जिसने भी अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी गई है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इन वीडियो की PDF पाना चाहते हैं विद आंसर की, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। या फिर कूल बॉय कुलबीर लिख के आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और वीडियो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका सीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उन वीडियो को देख सकें। साथ ही हरियाणा जीके के हम 100 प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रखी है, लगभग 57-58 प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिए हैं, वो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस पेपर 6। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन हैं, तो मैथ के लिए हम अलग से आपके लिए वीडियो बनाने वाले हैं जो कि ये 20 प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलेगी। जैसे ही 20 प्रैक्टिस सेट हमारे पूरे हो जाते हैं उसके बाद मैथ के प्रैक्टिस सेट, ये जो इन प्रैक्टिस सेट में मैथ और रीजनिंग आया है इनके लिए आपके लिए अलग से सेट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। अब शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। तो द्रव्यमान की क्या परिभाषा है दोस्तों, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन भारत में किसने अमित्रघात की उपाधि धारण की। अमित्रघात की उपाधि धारण की थी बिंदुसार ने। ठीक है, उसके बाद है भारत में सूफी परंपरा का संस्थापक कौन है, तो ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्न में से कौन सा एक सागर बिन तटरेखा के है, कौन सा है, सारगास्सो सागर। ठीक है, नए अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है, ये अधिकार आपका संसद को। उसके बाद है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पे है, ये है कानपुर में। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, टीबिया जो हड्डी है वो पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है पाँव के अंदर। ठीक है, एलिसा परीक्षण किया जाता है, एलिसा परीक्षण होता है एड्स पहचानने के लिए। हर्षवर्धन किसके द्वारा पराजित हुआ था, हर्षवर्धन हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक साधारण बिल विधान परिषद द्वारा अधिक से अधिक कितने समय तक के लिए टाला जा सकता है, तो ये टाला जा सकता है 4 महीने के लिए। रायसीना हिल कहाँ है, ये आपकी जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है वहाँ पे। खुला बाजार संचालन क्या है, ये आपका सरकार द्वारा गिल्ट इन प्रतिभूतियों की बिक्री। उसके बाद है इसरो के नए अध्यक्ष कौन है, कौन है, एम सोमनाथ। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिवीजन स्किल्स इंडेक्स में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है, कौन से देश को मिला है, भारत को। उसके बाद है 2Mg+O2, 2MgO हो गया, तो जो अभिक्रिया है किसका एक उदाहरण है, ये उदाहरण है संयोजन का। ठीक है, न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला कोर्ट बन गया है, कौन सा कोर्ट है, ये है गुजरात हाई कोर्ट। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ये जब मैथ और रीजनिंग की क्लासेस चलेंगी तो उसमें आपके लिए करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए। इंग्लिश है, अपोजिट मीनिंग आपने बताना है फर्गुलेटी का, तो क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा एक्स्ट्रावेजेंस, ऑप्शन ए। ठीक है, टू ईट हम्बल पी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टू लाई इन मैनर मोडेस्ट। ठीक है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, जो सही है वो आपने बताना है, तो गॉसिप GOSSIP, ये सही है। ए पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर्स, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रेडुलस, ऑप्शन सी। फाइंड द पार्ट विच हैज एरर, कौन से पार्ट में एरर है, ये है आर नेसेसरी।
बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ ल्यूर क्या हो जाएगा, हो जाएगा अट्रैक्शन। ठीक है, अंधी पीसे कुत्ते खाएं, इस लोकोक्ति का क्या मतलब है, इसका मतलब है कूपरबंद से वस्तु नष्ट होती है। गायक का संधि विच्छेद यहाँ पे करना है, क्या हो जाएगा, गई जमा एक गायक होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धिगत चुनाव कीजिए, कौन सा हो जाएगा, परिणति। ठीक है, दीनानाथ में कौन सा समास है, दीनानाथ में दोस्तों तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे देखिए सागर भी है, रत्नाकर, जल देवी है, नीरद नहीं है। ठीक है, अलगाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी लगाओ। ठीक है, बच्चों पंक्ति में खड़े हो जाओ वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है, कौन सा कारक है, यहाँ पे है संबोधन, क्योंकि बच्चों को पुकार रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, जो देशज शब्द है वो आपने बताना है, तो यहाँ पे कबड्डी जो है वो देशज शब्द है। नाबार्ड की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसमें। कलकत्ता में काल कोठरी या ब्लैक होल जिस जो घटना हुई थी वो कब घटी थी, इम्पोर्टेंट है, ये घटी थी 1756 जून 1756 में। ठीक है, निम्न में से कौन से पदार्थ में विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है, विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है जल के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है खाद्य और संगठीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, FAO इसको बोलते हैं, तो इसका है रोम के अंदर। ठीक है, मैक संख्या जो है वो किससे संबंधित है, ये संबंधित आपकी हवाई जहाज की गति से। ठीक है, निम्न में से सबसे पहले कौन से देश ने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया था, ये था देखिए कौन सा देश है, न्यूजीलैंड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय एल्बर्ट बिल विवाद से जुड़ा हुआ है, कौन सा जुड़ा हुआ, लॉर्ड रिपन। कौन प्यार से मदीबा के नाम से जाना जाता है, तो किसको जानते हैं, नेल्सन मंडेला को। निम्नलिखित में से क्या भारत के अधिकांश लोगों का मुख्यालय खाद्यान्न फसल है, तो कौन सी है, यह है चावल। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। इंडिया विंस फ्रीडम इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, इसके हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है, जो बच्चे जो प्रयोग करते हैं वो भाषा होती है लोगों की। ठीक है, IMAC एक प्रकार का क्या है, तो ये क्या आपका एक मशीन है। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था, यह था 1964 में। निम्न में से कौन सी UNO की मान्यता प्राप्त भाषाओं में से शामिल नहीं है, UNO में, तो कौन सी नहीं, यहाँ पे देखिए अरबी भी है, चीनी तो है ही, स्पेनिश भी है, हिंदी नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सर्वप्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ पे खेले गए, ये खेले गए थे 1951 के अंदर, कहाँ, नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रगान की वर्तमान धुन तैयार करने का श्रेय किसको जाता है, ये जाता है राम सिंह ठाकुर को। उसके बाद नेक्स्ट है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष था JB कृपलानी। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, 9। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी दिया जाता है दोस्तों संगीत के क्षेत्र में। अन्नपूर्ण पर्वत कहाँ स्थित है, ये आपका स्थित है नेपाल के अंदर। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की घोषणा कब की गई थी, भारत में विलय हुआ 1947 अक्टूबर में। कोल नामक पर्यटक स्थल किस जिले में स्थित है, कोल, ये आपका हो जाएगा कैथल के अंदर। किस नदी के बारे में किंवदंती है कि यह भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली थी, कौन सी नदी को बोलते हैं, दोहन नदी को। राजा पुरुरुआ तथा उर्वशी का विख्यात संवाद किस सरोवर के तट पर हुआ था, यह हुआ था ब्रह्म सरोवर के तट पर। ठीक है,
प्रसिद्ध सांगी हैं चंदगी राम, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे धनपत सिंह। ऑनलाइन जमाबंदी रोकने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा है? कौन से जिले ने रोके हैं? करनाल। मसाणी बैराज हरियाणा में कहाँ स्थित है? मसाणी, ये आपका है रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान कब बना था? ये बना 1990 में। हरियाणा का वह जिला बताएं जो अन्य जिलों से भूआवेष्टित है, अन्य जिलों से मतलब जिसको अन्य जिलों की सीमा जो है वो नहीं लगती, तो ये है रोहतक। ठीक है, ये अन्य जिला नहीं, यहाँ पे स्टेट होना था, किसी स्टेट के साथ रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे हैं जो किसी से स्टेट से नहीं लगते। एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं आपके जसबीर सिंह। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति किस किस अनुच्छेद में निहित है? कौन से अनुच्छेद में है? 143 में। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? यह किया गया था 1993 में। हरियाणा कितनी ओर से दिल्ली को घेरे हुए है? तो हरियाणा घेरे हुए दोस्तों 3 ओर से। आधुनिक हरियाणा के निर्माता बंसीलाल का जन्म कब हुआ था? बंसीलाल का जन्म होता 1927 के अंदर। बीछुए आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बीछुए जो है वो पैर के अंदर पहने जाते हैं। ठीक है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी के अनुसार हरियाणा का कौन सा शहर कपास की मंडी के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा शहर था? नारनौल। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? पहले गैर कांग्रेसी थे राव वीरेंद्र सिंह। किस वर्तमानी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? ये किया था सुदास ने। महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए क्षेत्रों का उल्लेख है, तो नकुल ने कौन कौन से क्षेत्र जीते थे? रोहतक और सिरसा। उसके बाद है सिरसा का प्रसिद्ध बाबा भूमगता का मेला किस समय आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है संक्रांति में। भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भारत के सबसे बड़े खेल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे और इसकी स्थापना कब हुई, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 95 लिख के इसके आगे आप आंसर कमेंट जरूर करें। हरियाणा राज्य के गठन के समय वहाँ की अर्थव्यवस्था थी कहाँ, कैसी थी? ग्रामीण एवं कृषि आधारित। निम्न में सुजाता जो है वो किसकी प्रजाति है? सुजाता है गेहूं की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है किस अभिलेख से योद्धागण की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है? यह है अग्रोहा की। हरियाणा के किस वैज्ञानिक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर विजय कुमार। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई जो है वो डाबसन से नापते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये आंसर किए यहाँ पे। टेलीग्राम ग्रुप से इसको ले लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब के बटन के ऊपर दबा दीजिए जो लाल बटन आपको दिखाई दे रहा है, और टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे कूल बॉय कूल बी लिख के आप सर्च कर लीजिए, पहला जो चैनल आएगा वो हमारा ही है, तो उसको आप ज्वाइन करके PDF ले लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।